क्या देते, क्या कर रही है तू फोन में? ये भाई विंडो गेम खेल रहा हूँ भाई, अभी हर घंटे घंटे हम 500,000 रुपए जीत रहा हूँ भाई। अभी देख देख, ये देख फिर जीत गया। अरे ये तो मस्त है यार, तू भी जाके डाउनलोड कर भाई। बहुत अब मेरा अगर रेफर कोड से डाउनलोड करेगा तो तेरे को 10 रुपया बोनस भी मिलेगा, ठीक है? अच्छा। अभी जाके डाउनलोड कर, ठीक है ना? और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दे दूंगा, आप भी डाउनलोड कर लेना और 10 का बोनस मिल के उसी गेम से खेल सकते हैं आप, और डायरेक्ट पेटीएम टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? डाउनलोड टू विंडो ऐप नाउ। बे बाप का फोन आ रहा है बे, काट देता हूँ। अरे यार काहे बार बार फोन कर रहा है, कितना फोन कर रहा है यार। हाँ हेलो, क्या हुआ, बार बार फोन क्यों कर रहे? मैं भी पबजी खेल रहा हूँ दोस्तों के साथ, बाद में फोन करिएगा हमको। आप किसी और से दवाई मंगवा लो ना, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, आप मंगवा लो किसी और से दवाई। रखिए फोन अभी, हमको पबजी खेलना है। रखिए, बार बार फोन कर देते हैं बाप मेरा पबजी के बीच में। अरे यार एक गर्लफ्रेंड पे अभी फोन कर रही है। मेरा नंबर पे रिचार्ज करवाओ ना प्लीज। हाँ अभी रिचार्ज करवा देता हूँ, बहुत पैसे है अपने पास, बहुत पैसे, अभी रिचार्ज करवा देता हूँ, ठीक है बेबी? रखता हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है, बाय। इतना मतलब ही बेटा है, बाप का दवाई के लिए पैसे नहीं है और गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसे उड़ाने के लिए बहुत सारे पैसे, साला मतलब ही बेटा। चल भाई चलते हैं, ठीक है। हेलो हेलो सर, हम जोर से करो प्राइम लिमिटेड से बोल रहे हैं। आपने हमारे कंपनी पे जॉब के लिए अप्लाई किया था और गुड न्यूज़ सर, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। क्या आप आदित्य जी बोल रहे हैं? हाँ जी मैं आदित्य बोल रहा हूँ। सर 2 घंटे के अंदर 1,000 रुपये जमा करा दीजिए और अगले हफ्ते से काम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, हम पैसे जमा कर देता हूँ अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। बस तो पैसे नहीं है अभी, किससे लूं? घर पे जाके पापा को बोलता हूँ। पापा मुझे 1,000 रुपये दीजिए तो जॉब के लिए लगेगा। बेटा मेरे पास तो अभी 1,000 रुपये नहीं होंगे, लेकिन मैं छोटे मालिक से बोल के पैसे दिलवा दूंगा। ऐसा मतलब अपना जॉब का तैयारी करो, मैं मालिक से बोलकर तुमको पैसे का इंतजाम करवा दूंगा। जाओ बेटा जाओ। मालिक मुझे कुछ पैसों की जरूरत था। क्या कहा, पैसे चाहिए? अगले महीने ही तो पैसे लिए थे, क्या किया उसका? बहादुर सिंह मार रही इसको, भगा इसको। मालिक प्लीज दे दीजिए, अगर मैं पैसे नहीं लेके जाऊं तो मेरा बेटा का जॉब नहीं लगेगा, मैं उससे वादा करके आया हूँ। मालिक प्लीज, मालिक मालिक प्लीज दे दीजिए पैसे, मालिक प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है, पैसे तो तेरे को मिलेगा, अगर अगले महीने तक के पैसे नहीं वापस किया तो घर का सारा सामान हम लेके चल जाएंगे। सुन लो भाई लोग, सब लेके आ जाना उसका घर का सामान, अगले महीने तक अगर पैसे नहीं मिले तो। चल जा, पैसे आ जाएंगे, चल निकल। चल आज शाम को पार्टी है मेरे तरफ से, तुम सबको आना है शाम को 6 बजे, ठीक है? मेरे तरफ से पार्टी है सब। चल बाय, रखता हूँ।
3000 रुपए गायब हो गए। सर पापा ने निकाले, उनका रोज रोज का दम लगा पड़ा है। पापा सुनिए, सर सुनिए। हाँ बेटा बोलो। पर्स से पैसे निकाले हैं? बेटा मैंने तुम्हारे पर्स से पैसे निकाले। अगर मालिक को पैसे नहीं देंगे ना तो बोले घर का सारा सामान उठा के लेके जाएंगे, तो इसलिए मैंने तुम्हारे पर्स से पैसे निकाले। बेटा बता दे रहे यार, अंदर से अगर पर्स से पैसे निकाले ना तो बहुत खराब हो जाएगा। मैं तो तंग आ गया हूँ इस बाप से, हमेशा पर्स से पैसे निकालने का बोलने का ही पड़ता है, हमेशा निकाल लिया जाता है इनका, तो क्या करूँ। चलिए जाइए, आइंदा से मेरा पर्स में आप मिल जाएगा। जाइए जाइए। हेलो हमें भी बोलो। कहा तुम 15-20 हजार महीना कमाने वाले, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे हमारे लिए। सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और आज के बाद प्लीज मेरा पीछा मत करना। हेलो उनका रोज का लगा के रखा है पर्स से पैसे, उनको का घंटा फर्क पड़ता है पैसे कैसे आते हैं। कमाने जाएंगे तो ना पता चलेगा पर्स से खाली पैसे निकाल, उनको इतना लगता है कि पैसे बहुत आसानी से आते हैं, कितने मेहनत लगते हैं, खून पसीना बहा कर कमाना पड़ता है, उनको घंटा फर्क पड़ता है। पक गया हूँ यार इस बाप से, बहुत पक गया हूँ। वाह रे बेटा वाह, तूने क्या गजब का काम किया। महंगे सिगरेट पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए पैसे, और गर्लफ्रेंड को आईफोन देने के लिए पैसे है। लेकिन बाप अगर तुम्हारे पर्स में से 1000 रुपए निकाल लेते तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। साला वो दिन भूल गया, तुम्हारे बाप ने अपने मालिक से 1000 रुपए उधार लेकर के तुम्हारे जॉब के लिए दिया था। और ये औकात मत भूल तू अपना, ये जो सानो सौकत दिखा रहे हो ना बेटा, तुम्हारा बाप प्लेट धोकर होटल में मेहनत करके खून पसीना बहा करके तुम्हारा ये सानो सौकत बना करके रखा है, समझा। और जो अपना माँ बाप का नहीं हो सका तो अपना फ्रेंड्स के लिए क्या होगा। आज के बाद से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, चल भाई। पता नहीं क्या हो गया यार सबको, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया सुबह सुबह और दोस्त लोग भी साथ छोड़ के चल गए, सब मेरे बाप की वजह से हुआ है। सुबह सुबह का मूड ऑफ कर दिया। ये मेरा बाप फिर क्यों फोन कर रहा है, मैं उठाई गया नहीं। फिर फोन कर रहा है, मैं स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। भाई भाई आदित्य तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया भाई। क्या बोल रहे भाई, कहाँ पे? भाई वहाँ पे, वहाँ पे। क्या हुआ पापा आपको? मैं गेम खेलने के चक्कर में आपका फोन नहीं उठाया। पापा आगे को लिए पापा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पैसों के लिए
और गेम के चक्कर में आपसे बात नहीं की। अब्बा आगे को DJ Harish. DJ Harish.